ही भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी गुमला। पूरे देश में पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी का एक दिवसीय धरना प्रदेश कमेटी के आह्वान पर शनिवार को नगर परिषद के सामने दिया गया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, सरकार विरोधी नारे लगाए। मौके पर मुरली मनोहर प्रसाद ने कहा, केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि कर दिया है, इससे सभी वस्तुओं का मूल्य बढ़ा है। पूरे देश की जनता महंगाई से जूझ रही है। कार्यकर्ताओं ने बताया, जब तक मूल्य में कमी नहीं लाई जाएगी कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार केंद्र सरकार के द्वारा जो डीजल पेट्रोल रसोई गैस वगैरह में जो दामों में जो अत्याधिक वृद्धि की गई है, जिसे देश की जनता त्राही त्राही कर रही है, उस वृद्धि के विरोध में हम यहां पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किए हैं। और हम केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि जो वृद्धि की गई है उस वृद्धि को अविलंब वापस करे और देश की जनता को राहत दे। इसी मुख्य उद्देश्य के साथ हम जिला कांग्रेस कमेटी गुमला की ओर से एक दिवसीय धरना का आयोजन हम लोगों ने आज गुमला में किया है। क्या नाम है सर आपका? एमएम प्रसाद, मुरली मनोहर प्रसाद, प्रदेश प्रतिनिधि गुमला। धूप में धरना दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ रही है और उसके दुख दर्द में साथ देते आई है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल गैस सभी चीजों के मूल्य बेतहाशा मूल्य वृद्धि कर दी है, उसके वजह से सभी चीजों पर प्रभाव पड़ रहा है, उससे जनता त्राही त्राही कर रही है। तो उनके मूल्य वृद्धि के खिलाफ में हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी धरना पर बैठे हुए हैं और जब तक मूल्य में कमी नहीं किया जाता है तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? अमृता भगत, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।